गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है VI का, बोलो तो वोडाफोन का रिटेलर आप कैसे बन सकती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोडाफोन का रिटेलर आपको बनने का प्रोसेस बताएंगे आपको और स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी जानकारी देंगे अगर आप एक वोडाफोन का रिटेलर बनना चाहता है तो। 2022 में दोस्तों वोडाफोन का VI का रिटेलर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सैंपल प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस दोस्तों, इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको पता है VI दोस्तों आप घर बैठे एजेंट बन सकती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए क्या प्रोसेस है, चलिए मैं आपको उसके लिए दोस्तों लेके आ जाऊंगा मेरा मोबाइल फोन में। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मेरा एक VI का मोबाइल है और यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि दोस्तों मैं एक VI का रिटेलर हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक VI का रिटेलर खुद हूँ और मैं दोस्तों घर बैठे बनाऊ। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे VI का मैं एक एजेंट भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। VI का आईडी जो है हमारा दोस्तों, VI आईडी को लॉगिन कर लेता है और यहाँ पे दोस्तों एक मुनाफी कमाने का एक मौका ऐसा है जो दोस्तों यहाँ पे आप 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया तक दोस्तों यहाँ पे कमीशन कमाने का मौका मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकती है मेरा ये VI का एजेंट आईडी है और यहाँ से दोस्तों मैं सिम वगैरह सब कुछ एक्टिवेशन कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकती हूँ। ठीक है, तो ये एजेंट मेरे को कैसे मिला। ठीक है, आप लोग दोस्तों बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर सकती है, भाई आप तो सिर्फ बोलते जा रहा है लेकिन अब काम का बात बोलिए ना, काम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपडेट निकल के आ रहा है जो अगर आप लोग VI का रिटेलर बनना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आपको दोस्तों एक पोस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आप अगर मान के चलो VI का ऑफिशियल साइट में आप चला जाता है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं मान के चलो मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा जो VI का एजेंट कैसे बनना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिखूंगा vi sim vi.com। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ .in। ठीक है, यहाँ पे VI लिखूंगा और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा ये भी जो VI का एजेंट में कैसे बना था। ठीक है, आप लोग दोस्तों शायद चौक हो जाएगा जो VI का एजेंट कैसे बनना पड़ता है। तो चलिए मैं दोस्तों VI का लॉगिन कर चुका हूँ यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड कर दूंगा क्योंकि आपको अच्छा होगा समझने के लिए और मेरे को भी बोलने के लिए अच्छा होगा क्योंकि VI का एजेंट दोस्तों कैसे बनना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करूंगा, हमें अभी स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख पाएगा स्क्रीन में आपका लोगों को सामने शो हो रही है, यहाँ पे भी इस तरह आप लोगों को सामने शो होगा। और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमारा digitalassocistore.com में जाके आप लोग देख सकती है। वहां पे दोस्तों फुल डिटेल्स दे के रखा है, स्टोर का लोकेशन भी दे के रखा है, आप लोग वहां पे फुल लोकेशन वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन कर दिया। यहाँ पे तो सब देख पा रहे www.myvi.in, यहाँ पे दोस्तों उसको ऑफिशियल साइट में आपको आ जाना है। आने के बाद चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करूंगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकती है हमारा सामने यहाँ पे डिजिटल असिक स्टोर का ऑफिशियल साइट में आपको सामने लेकर आ जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे और क्रोम ओपन कर देंगे दोस्तों, क्योंकि क्रोम से हमको देखना है। अगर दोस्तों डिजिटल असिक स्टोर से देखना चाहता है तो आप यहाँ पे से भी देख सकती है, शायद डिजिटल असिक स्टोर का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से भी आप, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकती है डिजिटल असिक स्टोर से। और दोस्तों अभी हम आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे VI का एजेंट कैसे बनना है। तो दोस्तों आपको VI का एजेंट बनने के लिए आपको एयरटेल जो VI का जो एजेंट होता है, आप myvi.in का ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ पोर्ट का मैसेज करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे मेरा VI का आ चुका है यहाँ पे, और देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे आपको इस जगह से आप दोस्तों सिर्फ मोबाइल रिचार्ज कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे सिर्फ यहाँ से मोबाइल रिचार्ज करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करेंगे, क्या क्या फ्यूचर है, जैसे कि यहाँ पे देख पर दोस्तों न्यू कनेक्शन का ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों डिजिटल असिक स्टोर का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे भी दोस्तों इसको लॉगिन कर पाएगा आप। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम इसको मैपिंग करके रखा है। ठीक है, जो पोस्ट आईडी है उसको हम मैपिंग करके रखा है। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, न्यू जो यहाँ पे देख पर दोस्तों न्यू कनेक्शन वाला ऑप्शन में आपको सिलेक्ट कर लेना है न्यू ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इस जगह में आपको एक ऑप्शन मिलता है। चलिए मैं फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और न्यू में चला जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों चलिए मैं वाटर मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक न्यू ऑप्शन ये है जो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे पोर्ट नंबर 2 VI। दोस्तों आपको इस आइकोन में क्लिक करना है। दोस्तों क्या बोला मैं आपको, पोर्ट नंबर 2 VI बोलो, तो अगर मान के चलो एयरटेल वोडा BSNL से अगर मान के चलो VI आइडिया जो भी है दोस्तों जिस कंपनी से अगर मान के चलो VI में जाना चाहता है तो यहाँ पे दोस्तों VI वाला आइकोन में आपको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, जब VI वाला सिलेक्ट करेगा तो आपका एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट टीम होता है दोस्तों, जो स्टोर होता है, वो आपके पास जो आपका जो रिक्वेस्ट करेगा उसके पास रिक्वेस्ट आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आ चुका है दोस्तों यहाँ पे आपका सामने क्या सिम है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सामने देख पा रहा है, यहाँ पे बता दोस्तों इंटर एरिया कोड जो भी आपका पिन कोड होगा, इस पिन कोड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं आप लोगों को सैंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, इस जगह से आप दोस्तों VI का आप एजेंट बन सकते हैं, पक्का गारंटी, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग पोर्ट का मैसेज कर लेता है कंपनी का पास चला जाता है इसका रिक्वेस्ट, तो
आपका एरिया का जो FSC यानी आप आपका या वोडाफोन का जो स्टोर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आपका साथ कांटेक्ट करेगा। अगर मान के चलो आपका दुकान है, आपका घर में बोलो तो आप एक दुकान खोल के रखा है, तो बंदा हमेशा आपको फ्री में देने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि दोस्तों एक घर में एक दुकान में अगर मान के चलो इसको मिल जाएगा, इस सर्विस को प्रोवाइड करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर का दोस्तों यहाँ पे मुनाफी कमाने का भी मौका है। उसलिए दोस्तों क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे देता है। चलिए दोस्तों चलिए यहाँ पे एक पिन कोड सेलेक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा एक पिन कोड होता है। तो पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बता रहा था, सॉरी दिस पिन कोड इज नॉट अवेलेबल फाइंड ये स्टोर, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे दोस्तों पिन कोड को सिलेक्ट कर लेंगे और एक बार दूसरा पिन कोड, दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पिन कोड सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पिन कोड डाल रहे हैं इस पिन कोड में दोस्तों अवेलेबल नहीं है, जो मेरा जो प्रीपेड करना पड़ेगा, ठीक है, पोस्टपेड किया था, पोस्टपेड हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पोस्टपेड होता है दोस्तों एक महीना का बिल आपको एक बार में देना पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डाल दिया है, और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेम आ रहा है, तो यहाँ पे नियर बाय स्टोर में क्लिक कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम मालदा सिलेक्ट करेंगे, MALDA मालदा। मालदा सर्च करने के बाद दोस्तों हमारा एरिया का जो स्टोर है बोलो तो VI का जो स्टोर है वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि आप लोगों को सब पूरा समझने के लिए, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे, इंटर एड्रेस डालेंगे, और यहाँ पे दोस्तों फ्री में आपको पोर्टिंग का भी ऑप्शन मिलता है, वो तो आप यहाँ से फ्री में पोर्ट कर सकती है, और दोस्तों आपको VI का भी एजेंट फ्री में मिल जाता है। आप लोग दोस्तों बहुत सारा भाई लोग वीडियो देख लिया है इस तरह, लेकिन दोस्तों मेरा जो टॉपिक कहने का मतलब यह है, आपका पास अगर कोई भी आधार बाई कंपनी का सिम कार्ड है तो आप पोर्ट का मैसेज करो, और आपका एरिया का जो स्टोर का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपका घर में, वो तो आपका दुकान में कॉन्टेक्ट करेगा और आपको एक एयरटेल का सॉरी VI का एक एजेंट ID प्रोवाइड करेगा। दोस्तों VI का एजेंट ID बनने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा सिम लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, अगर आपके पास VI का सिम है तो आप दोस्तों VI का एजेंट बन सकती है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, इस तरह वीडियो देने को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि आपको पता है हमारे।